हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का पी के एजुकेशन कोर पर ये मैं हिस्ट्री में आपको क्लास सिक्स की एन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं पहला चैप्टर मैंने डिस्कस किया था उसमें बताया गया कि, कि किस तरीके से जो स्रोत हैं हमने हमने उनका इस्तेमाल करके जो जानकारियां हैं पहले की उनको किस तरीके से जुटाया जाए इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप इसे देख सकते हैं आज हम क्लास शुरू करेंगे आरंभिक मानव की खोज जो शुरुआत में मानव की खोजें थीं वो क्या क्या थी वो किस तरीके से काम किया करते थे क्या खाते थे क्या पहनते थे क्या उनकी जीवन शैली थी किन चीज़ों का वो इस्तेमाल किया करते थे इन सभी के बारे में अगर मैं खाने की जैसे बात करूं तो वो खाने में क्या खाते थे उस समय पर फल फूल घास फूस पत्तियाँ और जानवरों का जो शिकार करके होता था वो उनका मेन भोजन होता था ऐसे ही वो करते थे और बाद में फिर धीमे धीमे चीज़ें और बढ़ती गई तो इस तरीके से हम ये जानेंगे कि मानव की शुरुआत की खोज कैसे थी इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक बात और है ये एक तरीके का कालीन युग है पत्थर वाला युग है यहां पर क्या था पत्थर को बहुत ज्यादा उपयोग किया गया तो पत्थर के उपयोग से वो क्या करते थे अगर पत्थर की बात करूं तो इसमें वो हथियार बनाते थे हथियार बनाते थे और इनसे क्या करते थे हंटिंग किया करते थे और क्या करते थे पेड़ की जो छालें होती हैं या फिर पेड़ की जो जड़ें होती थी उनको भी खोदा करते थे और बहुत सारी चीज़ें अब इसी में पत्थर का उपयोग करते थे और लकड़ी का भी उपयोग किया करते थे लकड़ी की अगर उपयोग की बात करी जाए तो झोपड़ियाँ ओपड़ियाँ बनाने के लिए रहने के लिए यूज़ किया करते थे इन चीज़ों का और अगर बात करी जाए हड्डियाँ हड्डियों से क्या पता चलता है आपको तो हड्डियों से ये पता चलता है कि उस समय पर जानवर कौन कौन से थे और किन जानवरों को वो खाते थे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस अध्याय में हमको पता चलेंगी कि क्या क्या पुराना जो मानव था या जो आरंभिक मानव था उसने किस किस तरीके की खोज की और क्या क्या वो काम किया करता था अब देखते हैं आगे क्या है इसमें कि मानव जो है उसका इधर उधर वो क्यों घूमते थे सबसे बड़ी बात आती है कि वो इधर उधर क्यों घूमते थे घूमने के पीछे उनके क्या कारण हुआ करते थे आप अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएं इसमें और अगर समझें तो घूमने के पीछे क्या कारण हो सकता है एक मानव जब घुमक्कड़ होता है तो घुमक्कड़ प्रकृति क्यों अपनाता है उसे जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ पर खाने की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होंगी तो वो खाने की तलाश में जाएगा उसके पास कुछ हो सकता है उससे एक्साइटमेंट भी हो कुछ उससे उत्सुकता भी हो कि भाई क्या है दूसरी जगह नदियाँ पहाड़ पार करके जाएं जरा देखिए उस तरफ क्या है क्योंकि उस समय कोई और चीज़ें उनके पास नहीं हुआ करती थी फिर अगर बात करी जाए तो शिकार के लिए घूमते थे शिकार के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे और वहाँ पर अगर कर बात करी जाए इनमें मछलियाँ हो गए चिड़ियाँ हो गए और खाने में फल फूल हो गए पत्तियाँ हो गई इन सारी चीज़ों का वो इस्तेमाल किया करते थे एक चीज़ देखिए जितने काम ये उस समय पर करते थे इन्हीं से धीमे 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 मौज आगे चलकर चीज़ें बदलती गईं और धीमे धीमे मानव का विकास होना शुरू हुआ आग का विकास हुआ अभी बताएंगे आपको आगे आने वाले चैप्टर में कि आग के साक्ष्य मिले किस तरीके से उसने अपने जीवन का विकास किया और आगे आगे मानव इस रूप में आज पहुंच गया है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आखिर वो इधर उधर क्यों घूमा करते थे तो क्यों घूमते थे वो इधर उधर देखिए इसमें कह रहा है कि उप महाद्वीप में लगभग 20 साल पहले तक रहा करते थे आज हम उन्हें आखेटक संग्राहक के नाम से जानते हैं जो आखेटक मतलब वही शिकारी उनके नाम से इन्हें जानते हैं भोजन का इंतजाम करने के लिए विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है खाने पीने के लिए वो क्या करते थे जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडा इकट्ठा किया करते थे क्या करते थे जब इनको लगता था इनके पास खाने के लिए चीज़ें जो भी हैं तो इकट्ठा कर लिया करते थे जो चीज़ें एकत्र करने वाली हुआ करती थी ताकि इन्हें कुछ समय तक खाने के लिए इनको चीज़ें मिलती रहें और जो जिस तरीके के अगर अपने महाद्वीप की बात करें उप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं लेकिन इनमें सारे पेड़ पौधे खाने वाले नहीं होते कई बार क्या होता बहुत विशैले पदार्थ भी होते थे और क्या होता था उनमें अगर जहर है किसी पेड़ पौधे में तो उस चीज़ों का भी इन्हें खास ध्यान रखना पड़ता था कोई फल है कोई पेड़ में लगा हुआ है वो कब पकेगा उस चीज का भी ये ध्यान रखते थे तो ये वाली बात यहाँ पर क्लियर हो गई आपको कि वो क्यों घूमते थे और कैसे काम किया करते थे अब अगर बात करी जाए लेकिन ये सब कर पाना इनके लिए आसान नहीं था क्यों आसान नहीं था क्योंकि अगर देखा जाए तो मौसम की सिचुएशन जो थी और ऐसे कई जानवर हुआ करते थे जो ज़्यादा तेज़ भाग सकते थे जो मानव था उससे बहुत तेज़ भागते थे और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर मतलब जो मानव था उस समय का उससे बहुत ताकतवर हुआ करते थे जानवरों का अगर शिकार करने की बात करी जाए चिड़िया या मछलियों को पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क रहना पड़ता था जागरूक और तेज भी रहना पड़ता था का और पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए जानना भी जरूरी होता था कि कौन सा पौधा जो है, वो बिशेला है और फल कब पकेंगे इन सारी चीजों के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है अब इस चीज़ से पहले मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि जो प्रारंभिक काल था जैसे बात करी जाए पुरा पाषाण काल की तो पुरा पाषाण काल को हम तीन भागों में बांटते हैं पुरा पाषाण काल इसको कितने भागों में बांटा गया है इसको तीन भागों में बांटा गया है तीन भागों में कौन सा है एक तो है आपका उत्तर और दूसरा कौन सा है मध्य और तीसरा कौन सा है तीसरा है सॉरी ये है आरंभिक कौन सा है आरंभिक है और ये है आपका मध्य और ये कौन सा है उत्तर है तो इन तीनों को अगर देखा जाए पूरा पाषाण काल का जो जीवन था मानव जीवन वो लगभग अगर माना जाए तो 20 लाख साल पहले 20 लाख साल पहले से लेकर 12000 साल तक का था ऐसे ये बटा हुआ है फिर इसके बाद बात करी जाए अगर कि जो मध्य पाषाण काल था वो किस में था तो बारह हज़ार से लेकर बारह हज़ार से लेकर दस हजार वर्ष पहले तक का जीवन था और उसके बाद आता है दस हज़ार से लेकर पहले का जीवन जब कृषि उगाना शुरू हुई मौसम में कुछ बदलाव आए जलवायु परिवर्तन हुआ तो चीज़ें बदलती गईं तो इसके बारे में हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि मानव जो था वो किस तरीके से अब जो शिकार करता था या जो चीज़ें केवल जुटाता था अब वो उत्पादक के रूप में भी काम करने लगा था तो पूरा पाषाण काल युगी युग की ये सारी विशेषताएं थी और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं देखिए एनसीईआरटी पूरा एक बेस है

खाकर इन्हें समाप्त कर देते थे अब क्या करते थे दूसरी जगह तलाश में निकला करते थे फिर से कि फिर कुछ नया मिले और फिर कुछ खाने की व्यवस्था करी जाए और पानी की व्यवस्था करी जाए क्योंकि कई जगहों पर क्या होता था मौसम को बदलते कारण कई बार पानी की व्यवस्थाएं भी समाप्त हो जाया करती थी तो उन सारी चीजों के लिए ये घुमक्कड़ जीवन जीते थे यही मानव किया करता था उस समय का दूसरा कारण अगर देखें कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए ये जानवर क्या करते थे खुद अपने ही चारा ढूंढने के लिए अपने खाने पाने की चीजें के लिए क्या करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे तो एक कारण तो ये हो गया इनके पीछे पीछे फिर क्या शिकारी भी जाएंगे जहां जानवर मिलेंगे वहीं तो शिकारी जाएंगे तो वहां पर इनके पीछे पीछे ये जाया करते थे तीसरा कारण है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे इसलिए उनकी तलाश में एक उपयुक्त मौसम देखते थे और उनके लिए यह घूमा करते थे कि यहाँ पर पेड़ पौधे इस समय पर पक गए होंगे अगर कोई एरिया है वहाँ पर इन्हें लगता था कि इस समय पर फल फूल यहाँ पर पक गए होंगे तो इस तरीके से ये खाने पीने की चीज़ें जुटा लिया करते थे चौथा जो कारण था कि पानी के बिना तो कोई भी प्राणी या जीव जंतु कोई भी जीवित नहीं रह सकता है पानी झीलों में झरनों में और नदियों में ही मिलता था ये तो हम आज भी जानते हैं कि पानी हमें पानी के जो स्रोत हैं वो यही होते हैं तो कई नदियों और झीलों पा, पानी कभी कभी सूखता था और कई झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल जाता था कभी कभी क्या होता था कि कभी कहीं कहीं नहीं सूखता है पानी और कई बार क्या होता है कि ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पर नदियों और झीलें बारिश के बाद दोबारा भर जाती हैं इसलिए झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा ये चार कारण बताए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है पहला कारण बता दिया इन्होंने कि भाई जो पशु हैं वो अपनी चीज़ों के लिए ही अपने खान पान के लिए जा रहे हैं उनके पीछे पीछे जा रहे हैं पानी हो गया पानी की तलाश में जाते थे तो इस तरीके की बहुत सारी पॉइंट्स हैं अगर आप जब लिखेंगे और समझेंगे इन चीज़ों को तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके पीछे मानव ने अपना घुमक्कड़ जीवन अपनाया था तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई कि मानव क्यों घूमता था और कौन कौन सी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जाया करता था आप अगर आज के परिपेक्ष में भी देखेंगे एक चीज़ समझिए कि जब आपके पास कोई चीज़ घर में मिल जाती है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बहुत ही मतलब आज की बात करूँ आपने कोई भी मार्केट प्लेस ओपन किया और आपको सारी चीज़ें वहीं पर मिल गई एक आपने कोई पोर्टल खोला आपको मार्केट प्लेस की सारी चीज़ें वहीं पर मिल गई आप घर से कहीं जाएंगे नहीं जाएंगे और आज अगर कोविड का टाइम देखा जाए तो व्यक्ति क्या कर रहा है घर से ही अपने काम को भी कर रहा है तो घर से अगर वो काम भी कर रहा है और उसको सारी सुविधा के सामान जो कुछ है उसके घर पर अगर डिलीवर हो जाते हैं तो उसको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन अगर यहीं पर देखा जाए कि कोई भी सामान आपको छोटे से छोटा भी सामान लेना है और आपके पास कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है कि आपके घर तक वो मुहैया कराई जाए तो क्या करेंगे आप उसके लिए हर चीज़ के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा एक शहर में नहीं मिलेगी तो आपको दूसरे शहर में जाना पड़ेगा दूसरे शहर में नहीं मिलेगी तो आपको तीसरे शहर में जाना पड़ेगा अब अप, आपको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उनको आपको तो करना ही पड़ेगा अब चाहे वो एक शहर में मिले या फिर दूसरे शहर में और हर व्यक्ति नहीं करेगा तो कुछ व्यक्ति करेंगे लोगों में जागरूकता भी बढ़ती है और लोगों में कई बार बहुत एक्साइटमेंट भी होता है कि देखें ज़रा वहाँ पर क्या चीज़ें हैं अब पुरातत्वविद जो हैं जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं उन्हें कुछ ऐसी वस्तुएं भी मिली जिनका निर्माण और उपयोग क्या करते थे आँखें तक ही किया करते थे यह संभव है कि लोगों ने ये पत्थर देखी ये पहले क्या था अगर आप देखें आपको इमेज में दिख रहे हैं यहाँ पर पहले क्या होते थे कितने बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे दे दिखिए फिर क्या हुआ फिर ये पत्थरों का आकार भी बदलता गया और पत्थर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने छोटे छोटे हो गए फिर पत्थर जब जैसे जैसे मानव का विकास हुआ वो पत्थरों को धीमे धीमे सजो मतलब अच्छे से उसको आसन करता गया काम उन पर और उनको घिस कर उनको आ, करके अच्छे से इसने बनाना शुरू कर दिया यहाँ पर अब बात आती है कि इन पत्थरों का उपयोग वो किया क्यों करते थे अब इन पत्थरों के उपयोग की अगर बात करी जाए तो कई बार फल फूल को काटने के लिए क्या करते थे हड्डियों और मांस को जो भी होती थी हड्डियाँ और मांस उनको काटने के लिए भी किया करते थे जानवरों की खाल उतारते थे इससे क्या करते थे जानवरों की खाल को भी उतारते थे क्योंकि ठंड बहुत पड़ा करती थी मौसम के अकॉर्डिंग होने कपड़ों की आवश्यकता होती तो खाल उतारकर उनको वस्त्र के रूप में उनको उपयोग किया करते थे तो ये सारे जो आपको चीजें हैं मुझे लगता है ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे काम के लिए अगर देखा जाए यहाँ पर तो काम के लिए पत्थर लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए जाते थे अगर आपसे पूछा जाता है कि पूरा पाषाणकालीन युग में जो मानव था वो क्या करता था तो काम के लिए पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए जाते थे इनसे पत्थरों के औजार आज भी बेचे जाते हैं हम कई बार देखते हैं पत्थरों के औजार आज भी होते हैं अब अगर बात करूँ अगला इसमें क्या कह रहा है कि भाई देखिए इसमें अगला पॉइंट है कि कुछ औजारों का उपयोग जो होता था वो फू मैंने बताया आपको हड्डियां काटने के लिए मांस काटने के लिए पेड़ पौधों की छाल और इन सब को उतारने के लिए काम इसमें किया जाता था यही सारा इस पैराग्राफ में दिया हुआ है अब ये देखें इसमें यहाँ पर अगर देख लेते हैं कि ये जो है ये देखिए यहाँ से पेड़ की छाल जो नीचे से है जड़ काटी जा रही है और क्या कर रहे हैं उसको कपड़े सीने के हिसाब से छोटे छोटे जो स्टोन हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है कालीन युग जो हुआ था उसमें बहुत ज्यादा लोग एक्टिव थे बहुत ज्यादा अपनी चीजों को उन्होंने खोजा और अपने काम को किया करते थे लाल त्रिकोण वाले स्थान में अब इसमें देखिए मानचित आपके सामने जो मैप है इस मैप को देखिएगा इस मैप में कहा जा रहा है कि जो ये पॉइंट दिए गए हैं ये पुरा पाषाणकालीन तीन तरीके के युग बताए गए पुरा पाषाणकालीन नव पाषाणकालीन और महापाषाणकालीन इनके बारे में बताया गया तो पुरा पाषाणकालीन जो है अगर रेड वालों को हम देखते हैं कर्नूल की जो गुफाएं हैं कर्नूल की गुफाएं कहाँ पर हैं बताइए कर्नूल की गुफाएं हैं आंध्र प्रदेश में और यहीं पर मिले हैं किसके राख के अवशेष मिले हैं तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि शायद यहाँ के लोग आग का प्रयोग किया करते होंगे है ना यही सारी चीजें तुम्हें तो पता चलता है जैसे भीम बेटिका के बारे में बात करें आज का कहाँ है मध्य प्रदेश में है भीम है कहाँ है मध्य प्रदेश में यहाँ पर बताया गया कि चित्रकारियाँ मतलब कुछ ऐसी पेंटिंग्स मिली हैं इससे ये पता चलता है कि उस समय का मानव क्या किया करता था पेंटिंग भी किया करते थे और अगर देखा जाए जो जैसे मेहरगढ़ हो गया ये सारे पॉइंट्स क्या है कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी होते हैं तो आपको यहां से ही मैंने ये चीजें बताई कि ये जो चीजें हैं ये एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण हैं अब और देखते हैं ये सब ज्यादातर जा, लोग उस समय पर रहते गाते नदियों और झीलों के किनारे ही रहना पसंद किया करते थे ये देखिए यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि भीम आधुनिक मध्य प्रदेश आवासीय पुरा स्थल उन्हें कहते हैं कौन से होते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं और गुफाओं और कंदराओं जैसे स्थल होते हैं यहाँ पर यह भी दर्शाया गया देखिए यहाँ पर जो लोग रहते थे गुफाओं में वो अपने उपयोग की सारी चीज़ों का जो होती थी उनके समय की जो उन्हें आवश्यकता हुआ करती थी उन सभी चीज़ों को रखते थे और पेंटिंग्स किया करते थे अपने हिसाब से अपने औजार बनाया करते थे जो भी उनकी आवश्यक वस्तुएँ थी उनके लिए वो काम किया करते थे और गुफाओं में क्यों रहते थे क्योंकि जो मौसम था वो मौसम बहुत बदलता था उन्हें धूप से बारिश से इन सब चीज़ों से उनकी क्या करता था बारिश से आंधी से इन सब चीज़ों से उनकी रक्षा किया करता था और इवन सर्दी से भी उनको बचाता था इसलिए लोग गुफाओं में रहना उस समय के लोग जो थे वो गुफाओं में रहना पसंद किया करते थे और ज़्यादातर अगर बात करी जाए बिंद और दक्कन के पर्वतीय जो इलाके थे अगर देखें नर्मदा घाटी के आसपास के इलाके जो हैं यहाँ पर लोग रहा करते थे अब अगर देखते हैं चूंकि पत्थर उपकरण बहुत महत्वपूर्ण है इससे लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां पर उन्हें पत्थर क्या हो सके आसानी से मिल सके वहीं रहें और वहीं अपने उद्योग को भी चला सकें उद्योग इन द सेंस अपनी चीज़ों के लिए भी वो काम कर सकें इन्हें उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है आमतौर तो पर हम ऐसी जगहों के पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए हैं क्योंकि वे ठीक से नहीं बने होंगे साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिल जाते हैं कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे और स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल एक साथ कहते हैं जहाँ पर सपोज करिए गुफा है कोई यहीं पर वो रहते थे तो यहीं पर इन्हें आराम से पत्थर भी मिल जाते थे तो अपना काम भी किया करते थे और ख़ुद भी यहीं पर रहा करते थे मैंने बताया रहने के लिए क्या क्या चीज़ों की क्या दशाएँ आवश्यक हैं कि इनको मौसम से निजात मिलती थी ये देखिए पिक्चर है पूरी इसमें बताया जा रहा देखिए कैसे यहां पर लोग रहते थे, ये ये थे, थे निजात परेशानी ना हो ऐसे ये काम किया करते थे इसीलिए गुफाओं को चुना। अब देखते हैं इसमें क्या है देखिए पुरा स्थल स्थल का मतलब वही है कि ऐसी जगहों पर रहना जहां पर अपने यूज की सारी वस्तुएं रखते हैं और बाद में वहीं पर छोड़ छाड़ के चले जाएं और उसके बाद दोबारा जब पुरातत्वविद देखते हैं उन चीज़ों को इसी से इसका अंदाज़ा लगाया जाता है पुरा स्थल मतलब पुराने स्थल पुरा स्थल का मतलब आपको समझ ही आ रहा है कि पुराने स्थल जहाँ पर ये रहते थे अपने बर्तन औजार इमारत जैसी वस्तुओं का यूज़ किया करते थे और क्या करते थे अपने काम में काम के लिए और बाद में उन्हें वहीं छोड़कर चले जाते थे अब वो जमीन के ऊपर है कभी अंदर है वो सारी चीज़ें क्या हैं समुद्र और नदी के तल भी तल में भी ये चीज़ें पाई गई हैं तो आपको ये चीज पॉइंट क्लियर हो गया कि पुरास्थल स्थल क्या कहते हैं मतलब पुराने स्थल को ही हम पुरास्थल स्थल कहते हैं देखिए अब पाषाण औजार का निर्माण देखिए किस तरीके से हुआ पाषाण उपकरणों को प्रायः दो तरीकों से बनाया जाता था कैसे पत्थर से पत्थर को काटना दो पत्थर ले लिए उनसे क्या करते थे पत्थरों से पत्थरों को काटना जो टकराते थे उससे बनाते थे और जिस पत्थर में कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में पकड़ लेते थे और दूसरे हाथ से उस पर प्रहार किया करते थे जिससे कि वो उसे उस शेप में जिस शेप में वो चाहते हैं उस शेप में उसे बना ले दूसरा तरीका था दबाव और सले तकनीक मतलब उसको दबाते थे किसी तरीके से किसी जैसे एरिया में रख दिया जो उसके लिए फिट है और फिर उसके हिसाब से उसको कटाई छटाई किया करते थे इसमें क्रोड ए, क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था उसे क्रोड पर हड्डी तथा पत्थर रखकर हथौड़ी निम्ह पत्थर से सल निकालते रहते थे मतलब एक चीज में कहीं पर से फंसा दिया उसके बाद उसकी जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जिस तरीके का चाहिए उस तरीके का ये करते रहते थे अब अगर देखें कि आग की खोज के बारे में बात आग की खोज कब हुई तो मैंने अभी आपको बताया था करनूल गुफा के बारे में करनूल गुफा कहाँ है ये है आंध्र प्रदेश में और यहाँ पर राग के अवशेष यहाँ पर मिले हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि राग के अवशेष यहाँ पर मिले हैं आरंभिक लोग हो सकता है यहाँ पर राग जलाना सीख गए हो क्या है पुरानी चीज़ों से हम अंदाज़ा ही लगाते हैं चीज़ों का कि शायद वो ऐसा काम किया करते होंगे शायद वो ऐसा काम किया करते होंगे इसीलिए इन सारी चीज़ों के लिए जो पातृत्वविद हैं वो काम करते रहते हैं हमेशा आप देखते हैं खुदाई चलती रहती है और कहीं ना कहीं पर इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती रहती है आग का प्रयोग हो सकता है कई कामों के लिए क्या करते हो जैसे कि प्रकाश के लिए उस समय पर रोशनी अगर जरूरत पड़ती होगी तो रोशनी के लिए क्या करते होंगे क्योंकि दिन में रोशनी मिल जाती होगी पर रात में हो सकता है उन्हें रोशनी की आवश्यकता हो, हो तो कैसे करेंगे तो प्रकाश के लिए मांस को पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए खतरनाक जानवर क्या होते हैं आग से आग को देखकर क्या होते डर कर वो भाग जाते हैं तो उनके लिए भी इसका प्रयोग किया करते थे देखिए बदलती जलवायु की अगर बात करी जाए बारह हज़ार साल पहले दुनिया की जलवायु में एक बड़े बदलाव आए और गर्मी क्या हुई गर्मी का जो लेवल था वो बढ़ने लगा इसके बाद क्या हुआ कि कई घास वाले मैदान भी बनने लगे आपको पता है कि जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो वहाँ पर घास भूस भी होगी और वहाँ की जलवायु में बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आता है क्योंकि कोई भी पेड़ पौधा पकने के लिए क्या एक मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो एक सेट होता है कि उतने टेम्परेचर की आवश्यकता तो है ही तो उससे क्या होता था घास घास फूस भी उगने लगी जैसे हिरण बारा सिंगा भेड़ बकरी और गाय जैसे उन सभी जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे जिन जानवरों को घास की आवश्यक हर जानवर का अपना फूड है अगर घास ज़्यादा बढ़ जाएगी तो जो क्या है ये ऐसे वाले जानवर जिंदा ज़्यादा रहने लगे और जिंदा रहने लगे तब लोगों को इनके बारे में पता चला कि जो इनको पालतू भी बनाया जा सकता है बहुत सारे काम फिर मानव ने शुरुआत में किए जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे अब इनके पीछे आए और इनके खाने

महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी पूरा पाषाण काल की अगर बात करें तो इसमें क्या था मछली जो थी वो महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी किस चीज का खाने पीने का जो स्रोत थी उनका मतलब भोजन का मुख्य स्रोत ये बन गई थी अब अगर देखें इसी दौरान महाद्वीप के विभिन्न इलाकों में अगर बात करी जाए विभिन्न इलाकों में प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे क्या वाले चैप्टर में कृषि कार्य शुरू हुआ तो महिलाओं और, और पुरुष ने क्या किया एकत्र करना शुरू कर दिया ये सारा काम और वो ताकि आगे के लिए उन्हें वो चीजें मिल सके जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नाम और तिथियां किस तरीके से हुई हैं तीन तरीके से इसको बांटा गया है पूरा पाषाण काल को जो बताया था मैंने पत्थर का युग पाषाण काल का मतलब यही पूरा पाषाण काल की पत्थर का युग था ये और तीन तरीके से इसको बांटा गया है आरंभिक मध्य और उत्तर में तो इस चीज को मैं पूरा बताई चुकी हूँ आपको ये सारी चीज़ें जैसे सेल चित्र के बारे में बताया भीम बेटिका से क्या पता चलता है हमें भीम बेटिका में पता चलता है कि वहाँ पर कुछ मतलब इमेजेज या पेंटिंग इस तरीके की मिली हैं जो कि भीम बेटिका कहाँ है मध्य प्रदेश में है मध्य प्रदेश में और उत्तर दक्षिणी उत्तर प्रदेश की कुछ गुफाओं से ऐसे चित्र भी जो मिले हैं तो ये सारी चीज़ें हैं कि किस किस तरीके से मानव ने एक एक स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ा और चीज़ों को करता गया जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है जो जंगली जानवर हुआ करते थे उनकी पूरी इमेजेस बनाया करते थे और भी वो जो उस समय पर फील करते थे उन्हें अच्छा लगता होगा उस तरीके के काम वो किया करते थे अब ये वाली बात तो हमें समझ में आ गई कि मानव क्या करता था लेकिन ये चीज़ कहीं पर कन्फर्म नहीं बताई जाती कि महिलाओं के क्या काम थे और पुरुषों के क्या काम थे या फिर दोनों मिलकर ही कुछ ना कुछ काम किया करते थे यह भी संभव है कि कुछ तरह के

पटने से जो पटने पुरा स्थल है वहाँ पर के अंडों के अवशेष मिले हैं इन पर कुछ जो है छिलके हैं उनका चित्रांकन भी मिलता है इसी से मन के बनाए जाते थे क्या होता अंडों से मन के भी बनाए जाते थे जो पुरानी चीज़ें हैं दिखती हैं समझ में आती हैं उसी से अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर करी गई होंगी अब आप मैप में देखिएगा हुजगी है यहाँ पर पासाड़ युग जो पूरा पाषाण युग है उसके पुरा स्थल भी यहाँ पर मिले हैं अलग अलग कामों में ये लाए जाने वाले थे तो और कई बार औजार भी थे ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे कुछ छोटे पुरा स्थलों के औजार के बनाए जाने के प्रमाण भी मिले हैं और पुरा स्थल ये क्या झरनों के निकट होते थे अधिकांश चूना पत्थर से बनाए जाते थे तो ये सारी चीज़ें हैं जो आरंभिक मानव की खोज थी इन सभी के बारे में मैंने समझा और चैप्टर में बताया आपको जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे वो सभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए एक बार मैं समरी फिर से आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ देखिए घूमते क्यों थे तो घूमने के पीछे कारण बता दिया मैंने आपको क्यों घूमते थे खाने की तलाश में घूमते थे शिकार की तलाश में घूमते थे कई बार अपने मित्रों से मिलने जाते थे और कई बार उनको एक्साइटमेंट होता था इसलिए वो घूमते थे अब घूमने में खाने में वो क्या खाया करते थे जो शिकार करते थे वो खाते थे फल फूल खाते थे ये सारी चीज़ों को वो खाते थे औजार के रूप में अगर बात करी जाए औजार कौन कौन से प्रयोग किया करते थे तो पत्थर के औजार थे उनके पास और किसके थे लकड़ी के थे और हड्डियों के थे ये तीनों चीज़ों के उनके पास औजार थे तो ये पूरी मैं समरी आपके साथ बता रही हूँ आप इसको समझ लीजिएगा तो ये समरी थी मतलब औजार और घूमने के लिए वो सारे काम किया करते थे और फिर घर मेन था उनके लिए रहने की व्यवस्था के लिए वो देखा करते थे कहाँ पर हम रहें तो गुफाओं में रहा करते थे और वहीं पर अपना काम किया करते थे और सारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो चाहते थे कि हमें एक ही जगह पर वहाँ मिल जाए ताकि हमें इधर उधर ना भटकना पड़े धीमे धीमे उन्होंने आग का प्रयोग भी शुरू करा आग के प्रयोग शुरू करने के बाद उनको लगा कि अब हम मांस को कच्चा क्यों हम पका भी खा सकते हैं तो मांस को पका खाने लगे थे जंगली जानवरों जो उनसे ज़्यादा खतरनाक हुआ करते थे बहुत खतरनाक जानवर उनको भगाने का प्रयत्न करने लगे तो उन्होंने क्या का प्रयोग किया ऐसे बहुत और जो झोपड़ियाँ हुआ करती थी रहने के लिए कई बार ऐसा देखा जाता था कि अगर उन्हें एक दो रात कहीं रुकना है तो उन चीज़ों के लिए वो झोपड़ी का प्रयोग करते थे लकड़ी की घास फूस चीज़ों का प्रयोग कर लिया करते थे ये पूरी समरी थी और पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि क्या है किस तरीके से तिथियों का निर्धारण हुआ और किस तरीके से मानव जो था वो शुरुआत में अपनी खोज को करता था तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा शेयर कर देना चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों नमस्कार